हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि भारतीय रेलवे की तरफ से एक अपडेट आया है, जो कि अपडेट ये है वो आपका बोर्डिंग से रिलेटेड है। जैसे कि पहले लोग करते क्या थे कि अपना एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन तक टिकट बुकिंग कर लेते थे, लेकिन वो होता क्या था कि जिस स्टेशन से उनका बुकिंग होता था तो वो अपने मन में या वो खुद से डिसाइड कर लेते थे कि हम जिस स्टेशन से टिकट बुक किए हैं हम वहाँ नहीं जा पा रहे, तो हम दूसरा स्टेशन से ट्रेन पकड़ लेंगे। उस सीट पर मेरा तो बुकिंग है ही, हम उस सीट पकड़ के हम अपना ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन अब ये सिस्टम को रेलवे परमानेंटली क्लोज कर चुकी है। अब अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको सीट अलॉट नहीं होगा, आपका सीट किसी और को अलॉट हो चुका होगा, टीटी किसी और को दे चुका होगा। क्योंकि जैसे कि मैं आप लोगों को लाइव एक टिकट दिखा रहा हूँ, मतलब चार्ट प्रिपेयर का टिकट, ये आपको टिकट बुकिंग करते वक्त आपको पता नहीं चलता, जस्ट ये चार्ट लगता है तभी मालूम चलता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास में दो पीएनआर नंबर है, दो पीएनआर का चार्ट प्रिपेयर हुआ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पीएनआर नंबर, डेट, ट्रेन नंबर, कहाँ से कहाँ तक, क्लास इसमें दिया हुआ, पैसेंजर कितने हैं वो दिया हुआ है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है बोर्डिंग अलाउ फ्रॉम हावड़ा ओनली, बोर्डिंग अलाउ फ्रॉम ईडी, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस मैसेज के द्वारा आप समझिए, पहले ये सब लिखा हुआ नहीं रहता था, पहले ये सब मैसेज नहीं आता था, बोर्डिंग अलाउ फ्रॉम हावड़ा, बोर्डिंग अलाउ फ्रॉम ईडी। इसका मतलब होता क्या है कि अगर आपका जो बुकिंग हुआ है, अलाउ जो है सिर्फ हावड़ा चाहिए, अगर आप हावड़ा से एक स्टेशन बाद भी अगर ट्रेन पकड़ते हैं तो आपको सीट नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप कोई भी स्टेशन से टिकट बुकिंग करते हैं, अगर आप उस स्टेशन से उस ट्रेन में अगर नहीं उठते हैं तो आपका सीट, आपका बर्थ टीटी किसी और दूसरे को अलॉट करवा देगा, और आप नेक्स्ट स्टेशन से सोचिएगा कि हम उठ के अपना सीट पकड़ लेंगे या बैठ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि आपको पेनाल्टी भी भरना पड़ सकता है। ये रेलवे का न्यू गाइडलाइंस है, रेलवे ने नया अभी हाल फिलहाल में इसको जारी किया है, अभी सभी लोगों को पता नहीं है, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी टिकट बुकिंग करवाते होंगे तो आपको भी इस तरह का मैसेज 100% आता होगा, और इस मैसेज को आप इग्नोर ना करें, ये इस मैसेज को आप एकदम सीरियसली ले, क्योंकि ये जो है एकदम 100% सही है। क्योंकि हमारा ये जो आप देख पा रहे बोर्डिंग अलाउ फ्रॉम हावड़ा, तो एक जो पैसेंजर था जो कि हावड़ा से इसका बुकिंग था, लेकिन ये पैसेंजर जो है आपका, ये क्या बोलते हैं, ये जो ट्रेन है 13019, ये आपका हावड़ा से अगर खुलती है तो श्रीरामपुर, श्रीरामपुर के बाद बैंडिल, ऐसा इसका स्टॉपेज है। तो ये जो कस्टमर था आपका बैंडिल स्टेशन, मतलब एक स्टेशन मैंने दूसरा स्टेशन पर उसका सुविधा था ट्रेन पकड़ने के लिए, वहीं से मतलब उसका टिकट नहीं मिल रहा था तो वो हावड़ा से बुकिंग करवाया था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पैसेंजर होते हैं जो सोचते हैं कि चलो मेरा यहाँ से बुकिंग नहीं हो रहा तो मैं वहाँ से अपना टिकट कंफर्म करा लेता हूँ और यहाँ से मैं बैठ जाऊँगा, तो वो अगला बोर्डिंग चेंज करना भूल गया था, इसीलिए उसको क्या हुआ कि जब वो बैंडिल में ट्रेन पकड़ने के लिए जब अपने सीट के पास गया तो उसका सीट किसी और को सेल कर दिया गया था, मतलब टीटी किसी और को अलॉट करा दिया था। इसके बाद इसको पेनल्टी लगाया गया, मतलब वो क्या जो चार्ज होता है सीट का, तो सीट मतलब टीटी अलॉट करवाया बट उसका कोई सर्विस चार्ज ले कर अलॉट करवाया। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप जब भी अगर आप टिकट ऐसे बुकिंग करना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप जहां से सीट मिल रहा है कंफर्म मिल रहा है आप वहां से टिकट बुक करिए और अपना बोर्डिंग चेंज करा लीजिए, जहां से आप ट्रेन में उठने वाले हैं बोर्डिंग अगर चेंज करवा लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से ट्रेन में ट्रेवल्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज एक छोटी सी जानकारी थी जो मैं सोचा आप लोगों को बता दूं। सो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को मेरा यह जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा अगला वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।